ये आपका पहला लेक्चर है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इंक्लूड होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव का मतलब है कि एक क्वांटिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी दो क्वांटिटीज जो उस टाइम में इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, एक के चेंज होने से दूसरी का चेंज होना वो डेरिवेटिव कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखें, एक इक्वेशन आपको दी जा रही है डी वाई ओवर डी टी। अब ये जो डी है डी ओवर डी टी, ये शो कर रहा है चेंज विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टाइम। टी आपका किस लिए यूज हो रहा है? टी इज यूज फॉर द टाइम। ये क्वेश्चन वन है। तो बेटा देखें, ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन थी डी वाई ओवर डी टी प्लस यू ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ टी, इस इक्वेशन को हमने नीचे ब्रीफ किया है कि डी वाई ओवर डी ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। वाई आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है। यू ऑफ टी और डब्ल्यू ऑफ टी आपके पास क्या है? कोई भी ऐसे फंक्शन जिसमें टाइम टी मौजूद हो। यहाँ देखें, डेफिनेशन को अगेन किसी और फॉर्मेट में बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है? सेकंड डेफिनेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वो है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंस अ रिलेशनशिप, अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज होना लाजमी है, एंड डेरिवेटिव। और जो साइन डी वाई ओवर डी एक्स लिखी हुई है या डी वाई ओवर डी टी लिखी हुई है, डेरिवेटिव कहते हैं उसे। डेरिवेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज, रेट ऑफ चेंज को, कि किस हिसाब से क्वांटिटीज में चेंज आ रहा है। जैसे आपने फिजिक्स में किया है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कब फाइंड आउट होती है? जब टाइम की नस्बत से हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है, यानी बॉडी मूव करती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो वहां पे भी डेरिवेटिव यूज होते हैं। द सिंबल डी वाई ओवर डी टी, जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं डी वाई ओवर डी टी, वो क्या शो कर रहा है? चेंज इन द क्वांटिटी वाई। वाई को हम चेंज करेंगे किसकी नस्बत से? क्वांटिटी टी की नस्बत से। जी मैम, इसमें जो चेंज है वो तकरीबन स्मॉल ही होता है ना, वो इंक्रीमेंट होती है ना, स्मॉल चेंज होता है इसमें जी जो बिल्कुल कैलकुलस यूज होता है। बेटा, इंक्रीमेंट ही होता है, स्मॉल चेंज होता है, लेकिन चेंज है ना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव यूज करते हैं। आपके पास नया परसेप्शन है। इन मैथमेटिक्स एंड इक्वेशन दैट कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ अ येट टू बी डिटरमाइंड, हमारे पास जो मैथमेटिक्स में मोस्टली फंक्शंस होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको जितने भी फंक्शंस करवाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में वो मोस्टली एक्स और वाई के करवाए थे। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल फंक्शन हो तो उसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कैटेगरी यूज होती है वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हो, जैसे एक फंक्शन है जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, या आपके पास मल्टीपल फंक्शन है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आपकी यूज होंगी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास यूज होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब मोर देन वन आपके पास वेरिएबल मौजूद हो। मैडम, मैं इसको ऑर्डिनरी जो इक्वेशन है इसको रिपीट करूं बस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी हमारे पास सिंगल फंक्शन हो, वन वेरिएबल फंक्शन हो, तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स आ जाए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, तो हम पार्शियल यूज करते हैं। मैम, इनके फार्मूला वगैरह भी होते हैं, पार्शियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी इक्वेशन वगैरह? बेटा मोस्टली इनके फॉर्मूलाज नहीं है, इनको सॉल्व करने की टेक्निक है कि आप डेरिवेटिव लेते किस तरह से। मैं आपको आगे
बताऊंगी कि डेरिवेटिव किस तरह से लिए जाते हैं, और बाकायदा इंटर की बुक अगर आप फॉलो करें तो इंटर की बुक में सारी चीजें मौजूद हैं कि हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से सॉल्व होते हैं, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह सॉल्व होते हैं, तो वहां पे पूरा क्राइटेरिया मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर क्या, पेज नंबर बता दें। चैप्टर नंबर 4 है डेरिवेटिव्स इंटर का। बेटा एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है dy ओवर dx माइनस का 2 ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। हमने इसे जर्नल इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर किया है। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2x है, y की वैल्यू 1 है और w ऑफ x की वैल्यू 0 है। डेटा हमने बनाया है जी, बेटा आपका सवाल कैसे आया है, y इक्वल टू 1 कैसे आया है? ठीक है मैं आपको जवाब देती हूँ। y इज इक्वल टू 1 बेटा आपके पास जो जर्नल इक्वेशन है उस जर्नल इक्वेशन में कहा जा रहा है dy ओवर dt प्लस का u ऑफ t y। अब u ऑफ t के साथ y की वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, देखें अगर यहाँ पे y मैं लिख दूं तो आपके पास जो जर्नल इक्वेशन है उसकी कंडीशन बनेगी y इज इक्वल टू y, आप यहाँ मेंशन कर देंगे। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे y मौजूद नहीं है, y मौजूद नहीं है तो y की जगह कौन सी वैल्यू है, 1, क्योंकि 2 वन्स आ 2, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि y की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है अ डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, दो तरह की होती है, या तो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ w ऑफ t पे। अगर w ऑफ t की वैल्यू 0 हो तो फिर हमारी इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस, और अगर w ऑफ t की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल है, तो वहां पे ये नॉन होमोजीनियस होती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है और कब डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती है। बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखें, द होमोजीनियस केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर है, यहाँ पे कंडीशन है यू आपके पास फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यू आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हो, एंड डब्ल्यू हैपेंस टू बी आइडेंटिटली जीरो, और डब्ल्यू की जो वैल्यू है यानी जो डब्ल्यू ऑफ टी है वो आपके पास जीरो हो, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि इक्वेशन नंबर 2 से डिफाइन हो रही है dy over dt plus ay, अब देखें u of t की जगह हमने a यूज किया है क्योंकि u of t फंक्शन ऑफ t था, हमें फंक्शन ऑफ वेरिएबल यूज नहीं करना बल्कि हमें कांस्टेंट फंक्शन यूज करना है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है a, dy over dt plus ay is equal to 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे a जो यूज हो रहा है वो कांस्टेंट फंक्शन है। जी मैम, जीशान ये पूछ रहा है कि जीरो की जगह और कोई वेरिएबल आ सकता है? बेटा होमोजेनियस में जीरो ही आएगा, कंडीशन है ये। मैडम ये मैं पूछ रहा था जो ए वाई है ना, ये ए तो कांस्टेंट है ना इस इक्वेशन में? जी ए कांस्टेंट है, इक्वेशन इससे बड़ी होगी या यही टर्म बस इतनी होगी इक्वेशन डिफरेंशियल? बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की भी होती है, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों को बिल्कुल बेस से करवा रही हूँ तो सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है dy ओवर dt। हाँ ये जो a की वैल्यूज है ना, a ये जो a y है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है a 2 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई फंक्शन x का नहीं आना चाहिए।
बेटा सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर टू का किस तरह से फाइंड आउट होगा। सबसे पहले हमने dy ओवर dt जो इक्वेशन नंबर टू है उसे लिखा, फिर हमने जो ay टर्म थी dy ओवर dt के साथ उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस में हो गई। फिर हमने यूज की है सेपरेबल वेरिएबल मेथड। अब यहाँ पे क्या होता है, सेपरेबल वेरिएबल मेथड में जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक तरफ हो जाते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक तरफ हो जाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 1 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय d ऑफ y इज इक्वल टू माइनस a d ऑफ t। ये हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल टेक्निक अप्लाई हो गई। अब हमने दोनों तरफ करना है इंटीग्रेट। जब हम ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन y की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ y। तो 1 अपॉन y dy किसके बराबर हो जाएगा, ln y के, ln log को कहा जाता है। और माइनस a क्योंकि कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती तो हमने माइनस a को सेम रखना है। dt की इंटीग्रेशन होती है सिंपली t, dt की इंटीग्रेशन t हो गई। और जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन जिसे हम नाम देते हैं c का। ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गई, इक्वेशन आपके पास बनी log ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ए टी प्लस c। अब आपने क्या करना है, आपने log को खत्म करना है, y की वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। एक्सपोनेंट किस लिए लगाया जा रहा है, ताकि हम लॉग को कैंसिल कर सकें। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी आपको लॉग को खत्म करना हो आप वहां पे जो फंक्शन यूज करेंगे वो एक्सपोनेंट करेंगे। अप्लाई एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स। जब हम एक्सपोनेंट लेंगे तो एक्सपोनेंट से लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा यहाँ पे वाई। जब यहाँ लॉग कैंसिल हुआ है सेकंड साइड पे तो हमारे पास लॉग मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के साथ पावर में जो आपके पास वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी कि माइनस ए टी प्लस का सी। ये पावर का सिंबल है, ठीक है। ई के ऊपर, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर आ गई माइनस ए टी प्लस सी। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमें ए टी को सेपरेट करना है, सी को सेपरेट करना है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। y is equal to e power minus at ये पूरी इसकी पावर है और सेकेंड हमारे पास पावर हो जाएगी, यानी यही वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी। बेटा मल्टीप्लाई के लिए मैं स्टार यूज कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जब रजिस्टर में लिखेंगे तो आपने स्टार यूज नहीं करना। e power minus at multiply by e power c। अगेन एक्सपोनेंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन भी कांस्टेंट ही होता है, तो e पावर c हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे बराबर है कैपिटल A के। y इज इक्वल टू कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस ए टी। यहाँ पे मैं नोटेशन यूज कर लूँ कि मैंने A को किसके बराबर लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है y इज इक्वल टू कैपिटल A e पावर माइनस ए टी। इस सॉल्यूशन को कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन थ्री है और इक्वेशन थ्री को कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन, ये बात याद रखिएगा।
H for homogeneous, D for differential, E for equation. General solution of homogeneous differential equation. बेटा जनरल सॉल्यूशन के बाद अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन चाहिए तो आप मालूम करते हैं डेफिनेट सॉल्यूशन. तो डेफिनेट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो देख लें. y ऑफ t यानी किसी भी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आपको फंक्शन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, वो आपने रखना है. वो बराबर किसके होगा? a की जो वैल्यू है यानी जो कॉन्स्टेंट है वो बराबर है y ऑफ नॉट के. y नॉट का मतलब है स्टार्टिंग एट पॉइंट जीरो. फिर हमने यहाँ पे रखना है e पावर माइनस ए टी, यानी सिर्फ और सिर्फ आपने चेंज करना है ए की वैल्यू को. तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, इक्वेशन नंबर 4, ये कहलाता है डेफिनेट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन.